प्रिया किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम अब आलू चटपटा बनाए हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आलू चटपटा बनाने। यहाँ पे हम बर्तन रख दिए हैं, गैस ऑन कर लिए। इसमें डालेंगे हम पानी, पानी को डाल दिए हैं। इसमें हम आलू को डाल दिए हैं, आलू साफ़ कर लिए हैं, साफ़ करके डाल दिए हैं। आलू उबालने के लिए इसे ढक देंगे। ये देखिए आलू मेरा उबल कर तैयार हो गया है, इसे कट कर लेंगे। इसे चार टुकड़े छोटे छोटे कर देंगे। ये देखिए इसे कट कर दिए हैं, कट कर लिए हैं। यहाँ पर रख देंगे पैन, इसमें हम डाल देंगे ऑयल, ऑयल को डाल दिए हैं। अब इसमें हम हरा मिर्च, थोड़ा सा लाल भी मिर्च है वो हम इसे हम डाल दिए हैं। अब इसे चला लेंगे। ये देखिए इसमें डाल देंगे हम ऑनियन, दो प्याज काट लिए हैं। अब इसे चला लेंगे, इस तरह से चला लेंगे। ये देखिए ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस डाल दिए हैं, सोया सॉस डाल दिए हैं इसे। अब इसे हम मिला देंगे, इसे मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए मिल गया है, मिल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ आलू। अब इसे भी चला लेंगे। ये देखिए इसे चलाएंगे, इसे धीमी आंच पे पकाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मिल गया है आलू में, अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे चला लेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। ये देखिए उबाल आ रहा है इसमें। इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, जीरा और मरीच या धनिया पाउडर, सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर ये सारे डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें अब थोड़ा सा अब इसे चला लेंगे। सारे मसाले हम डाल दिए हैं। ये देखिए इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अब इसमें हमें फ्लावर ये जो है इसमें हम थोड़ा सा घोल बनाकर डाल देंगे हमें फ्लावर। अब इसे भी चला लेंगे, फिर चला लेंगे। इसे धीमी आंच पे पकाएंगे कि धीमी आंच में रहेगा तो इसे जलेगा नहीं। इसे चलाएंगे, ये देखिए मिल गया है। इसमें हम डालेंगे टमाटर सॉस, टमाटर सॉस डाल दिए हैं। इसमें हम डालेंगे मिर्च वाला सॉस, हरा मिर्च वाला सॉस। अब इसे भी चला लेंगे, मिलाएंगे। ये देखिए इसे मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए मिला रहे हैं इसे, ये देखिए उबाल आ गया है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे भी मिला लेंगे। ये देखिए मिला रहे हैं, मिल गया है, उबाल भी आ गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, सुगंध भी बहुत अच्छा लग महक रहा है। ये देखिए आलू चटपटा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे, देखिए इसे सर्व कर लेंगे।
दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए खाने में बहुत बहुत टेस्ट हुआ है, टेस्टी हुआ है। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसमें हम डाल देंगे ओनियन, छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रखे हैं। इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, आप भी अपने घर बनाइए, बनाकर ट्राई कीजिए। नींबू भी रख दीजिए, नींबू भी रख दिए हैं।